नमस्कार, मैं हूं अहमद। मैं आज आपके सामने यह खबर लेकर आया हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित क्यों नहीं किया। खबर के अनुसार पार्टी ने इसके लिए काम जो है काफी तेजी से शुरू कर दिया है। मंगलवार तक ये स्पष्ट हो सकता है कि तीनों राज्य मुख्यमंत्री कौन होंगे। बीजेपी ने जो प्रवक्षक जो है उनके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाकर पार्टी के विधायक से चर्चा करने वाले और उनके नजर में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए इसके लिए वो बात करना भी शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि आपकी जानकारी के लिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश और जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ के प्रवक्षक बना के भेजा गया। अखबार ने बीजेपी नेताओं के हवाले से लिखा है कि इन बैठकों के पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुने गए पार्टी के विधायक को संबोधित किया। नड्डा ने विधायक को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने को कहा और भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने को कहा। इस बैठक में मकसद बीजेपी को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी करना था। इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन राजस्थान में भी नड्डा ने वही संदेश दोहराया जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया। उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायक हर घर तक प्रधानमंत्री का संदेश ले जाएंगे और वहां पर पार्टियों की बताई हुई जो आज तक उन्होंने कार्य किया है वह बताएंगे। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंगलवार तक नतीजे आ जाएंगे कि कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। मिलेंगे अगली खबर में, बने रहे आप इंडियन न्यूज 20 के साथ। धन्यवाद।